Good morning, friends. This is your host Ashish Barua from Barua's Way. Currency pre-market analysis में आप सभी का स्वागत है. आज है 30th of June 2022. Please watch till the end to get most information out of this particular video. Before we start, please like the video as it inspires me to put more effort and make new, better, creative and effective content for you. Without further ado, let's begin. Start करते हैं डॉलर रुपी से, क्योंकि ये न्यू टेरिटरी में है, that is 79.00 फिगर पे. कल ये ट्रेड हुआ है 79.05 on the higher side and 78.81 on the lower side. अभी ये कोई सेलिंग के लिए सिग्नल्स नहीं दे रहा है, तो हमें बाय डिप्स वाला स्ट्रेटेजी देखना पड़ेगा लोअर टाइम फ्रेम में. समवट 15 मिनट में या 30 मिनट्स में अगर बिलो 40 आरएसआई 14 जाता है एंड उसके बाद अबव 40 आना चालू करता है, तो वन में गो लॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. रिमेंबर टू प्लेस स्टॉप लॉसेस प्रॉपरली, क्योंकि कब ये ड्रास्टिकली एंड हैवी इंटरवेंशन हो जाए कोई भरोसा नहीं है. तो लॉन्ग लेंगे तो प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करना मस्ट है. डॉलर इंडेक्स में कल एक अच्छा खासा उछाल देखा गया एंड इट मूव्ड इन बिटवीन 104.35 एंड 105.15. जैसे कि हमारा पहले का एक्सपेक्टेशन का 16 जून के लो के नीचे क्लोज देना, वो दिया नहीं है. 27 जून को नीचे आया था लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया एंड उसके बाद ऊपर की तरफ चला गया है. अभी जो है हमें देखना है 15 जून का हाई एंड 16 जून का लो, ये एक रेंज क्रिएट कर रहा है. जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलता है आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, तब तक यहाँ पे बोथ साइड रेंज बाउंड चॉपी वॉलेटाइल मूवमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जीबीपी डॉलर में कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.2212 एंड 1.2105. जैसे कि हमारा प्रीवियस डिस्कशन था 16 तारीख का रेंज, जब तक ये 16 तारीख के रेंज के बाहर नहीं निकलता है तब तक वॉलेटाइल चॉपी टू वे मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, जहां पे लॉन्ग वाले को भी कटवाएंगे और शॉर्ट वाले को भी कटवाएंगे. तो हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा ये रेंज के बाहर प्राइस को ट्रेड करने के लिए. यूरो डॉलर में देखेंगे तो कल यहाँ पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया है एंड ये ट्रेडेड इन बिटवीन 1.0535 एंड 1.0435, ए वन बिगी मूवमेंट ऑन द डाउन साइड. सिमिलरली जो हमारा 16 जून का रेंज है इसके बाहर अभी तक क्लोज दे नहीं पाया. कल भी यानी 28 तारीख को भी एक टच किया था फिर नीचे आ गया. दैट बीइंग द केस हमें इंतजार करना पड़ेगा ये रेंज के बाहर, 16 तारीख का जो रेंज है उसके रेंज के बाहर निकलने के लिए. तब तक यहाँ पे साइडवेज चॉपी वॉलेटाइल मूवमेंट एक्सपेक्टेड. डॉलर येन में देखेंगे ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है, यानी यहाँ पे हमें बाय डिप्स का स्ट्रेटेजी ही इस्तेमाल करना पड़ेगा जब तक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं दे देता है या कोई एक टिपिकल प्राइस एक्शन बने जहाँ पे जैसे कि इन्वर्टेड पिन बर्ड इवनिंग स्टार समथिंग लाइक दैट या लोअर हाई लोअर लो. जब तक ये नहीं फॉर्म होता है तब तक शॉर्टिंग के लिए थोड़ा सा रिस्की है. इंट्राडे में छोटा छोटा शॉर्ट्स कर सकते हैं लेकिन बड़ा शॉर्ट्स थोड़ा अवॉइड करना है. रेदर बाय डिप्स हम इसको यूज कर सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप. जीबीपी आईएनआर में कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 96.50 एंड 95.56, ऑलमोस्ट 1 रुपी डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम द हाई ऑफ द डे. कल भी ये 16 तारीख का रेंज को छूने का कोशिश किया बट फेल्ड हुआ. यहाँ पर भी सेम एनालिसिस है, जब तक 16 तारीख के रेंज के बाहर प्राइस क्लोज नहीं दे देता है तब तक साइडवाइज वॉलेटाइल चॉपी
टू वे मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। यूरो आईएनआर में व्हीकल एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 83.27 एंड 82.29, ऑलमोस्ट 1 रुपी मूवमेंट फ्रॉम द हाई ऑफ द डे। यहाँ पे आपका 28 तारीख को ये जो टारगेट हमारा था, टारगेट को टच करने के बाद एक कल के दिन में एक सेल ऑफ कैंडल देखा गया है। इसका टिपिकलिटी ये है कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे चुका है। दैट मीन द केस आज के दिन कोई एक आवर्ली बेसिस में इसके लो के नीचे क्लोज दे देता है, देन वन में लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ए डाउनवर्ड मूव टूवर्ड्स 81.50 के आसपास। येन आईएनआर पे एक कंसोलिडेशन चॉपी मूवमेंट विद इन दैट पर्टिकुलर रेंज हो रहा है। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ये 59 से 59.30 के तरफ आ सकता है, जो ये आपका आउटसाइड इनसाइड का टारगेट है, लेकिन वहां पे अभी एज ऑफ नाउ दिख नहीं रहा है, तो हमें फर्दर प्राइस एक्शंस के लिए इंतजार करना पड़ेगा। डॉलर कैंडी में कल एक कंसोलिडेशन देखा गया है जो हमारा 16 जून का लो के नीचे क्लोज देने का एक्सपेक्टेशन था, वो क्लोज दिया नहीं है। आपका 28 जून को नीचे की तरफ सस्टेन किया था, लेकिन ड्यूरिंग द डे दोबारा ये बायर्स टुक चार्ज एंड टुक द प्राइस अबोव दिस पर्टिकुलर लेवल। यानी अभी हमें देखना है कि ये हाई इसके ऊपर क्लोज ना दे, इसके ऊपर क्लोज देगा तो ये जो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन से वो निगेट कर जाएगा। अगर ये हाई क्लोज ना दे एंड आपका 28 तारीख का लो, अभी ये 28 तारीख के लो के आसपास आ चुका है, इसके लो के नीचे क्लोज दे देता है तो ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन करेगा एंड इन सच ए केस एक ट्रेंडेड मूव इसके लो के नीचे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑसी डॉलर में देखेंगे, कल एक सेल ऑफ देखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 0.6920 एंड 0.6865। ये एक क्रूशियल सपोर्ट एरिया है, हमें देखना है कि ये सपोर्ट को सस्टेन करता है या नहीं, क्योंकि अभी लॉन्ग के लिए यहाँ पे कोई प्राइस एक्शंस दिख नहीं रहा है। जब तक एक पर्टिकुलर ट्रेंडेड मूव का इंडिकेशंस नहीं होता है तो हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा ऑन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। डॉलर सीएनएच में जैसे कि हमारा 16 जून का लो के नीचे क्लोज देने का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुआ। 28 जून को इसके लो के नीचे गया था लेकिन क्लोज दे नहीं पाया। दैट बीइंग द केस अभी ये आपका ये जो हाई है 14 जून का हाई एंड आपका 15 जून का लो, इसके अंदर में ही टू वे वॉलेटाइल मूवमेंट एक्सपेक्टेड है जब तक ये अभी 28 जून के लो के नीचे क्लोज ना दे। इसके नीचे अगर आने वाले दिनों में ये क्लोज दे देता है तो एक ट्रेंडेड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज साइडवाइज वॉलेटाइल चॉपी मूवमेंट। यूके ऑयल कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 120.39 एंड 115.24, अभी है 115.66। अब अगर मेरा वीकली करेंसी एनालिसिस जो 26 जून को पब्लिश हुआ था वहां पे देखोगे, वहां पे हमने एक एक्सपेक्टेशन किया था कि एक प्राइस सेंटरमेंट में जाने के बाद क्या वहां पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आएगा, अगर नीचे की तरफ आएगा तो एक अच्छा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 27 जून से मंडे से ये कैंडल, दिस कैंडल एंड दिस कैंडल, तीन कैंडल फॉर्मेशन हो चुका है। अभी हमें लोअर टाइम फ्रेम में यानी आवर्ली टाइम फ्रेम में लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस अगर हमको कंटिन्यू दिखता है देन देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि ये 109 की तरफ मूव करे। US 10-year ट्रेजरी में कल एक सेल ऑफ दिखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 3.185 एंड 3.087। हमारा अभी ये इंतजार होगा कि आपका 21 जून का हाई को ना तोड़े, ये हाई को तोड़ेगा तो ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस को निगेट करेगा, ये इसके हाई को नहीं तोड़ना चाहिए एंड आने वाले दिन में
ये 23 जून के लो को अगर तोड़ देता है, देन इन सच ए सिनेरियो हमें कुछ एक बेटर ट्रेंडेड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जब तक ये दो रेंज के अंदर में ही रहेगा तो ये शार्प वॉलेटाइल टू वे चॉपी मूवमेंट एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं यहाँ पे। Before wrapping up for the day, if you like this video, then make sure to like, share, subscribe and comment down below your thoughts on this video. It helps out greatly. Thank you once again. This is Ashish Borua from Borua's Way signing off.